A very sweet morning to all of you. It is your GK class. Today we are going to discuss chapter 15. Chapter name is Machines. Now let's start the chapter. A machine is a tool containing one or more parts that use energy to perform an intent action. एक मशीन एक टूल हो टूल को कंटेन करता है जिसमें वन या वन से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं और इसको वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. मशीन्स आर यूजली पावर्ड बाई मैकेनिकल, केमिकल, टर्मिनल और इलेक्ट्रिकल मीन्स एंड आर ऑफन मोटराइज्ड. मशीन विविधवत यांत्रिक, रासायनिक या विद्युत साधनों के द्वारा संचालित और अक्सर मोटर संचालित होती हैं. हिस्टोरिकली अ पावर टूल ऑल्सो रिक्वायर्ड मूविंग पार्ट्स टू क्लासीफाई एज अ मशीन. हिस्टोरिकली एक पावर टूल को आवश्यकता होती है मूविंग पार्ट्स की जिसको हम क्लासीफाई करते हैं एक मशीन के रूप में. नाउ लेट अस रीड अबाउट द मशीन. अब हम मशीन के बारे में जानेंगे. द आइडिया ऑफ अ सिंपल मशीन ओरिजिनेटेड विद द ग्रीक फिलोसोफर आर्किमिडीज अराउंड द 3rd century BC हु स्टडी द आर्किमिडीनियन सिंपल मशीन्स लीवर पुली एंड स्क्रू. एक साधारण मशीन का विचार 3rd century के आसपास यूनानी दार्शनिक आर्किमिडीज के साथ उत्पन्न हुआ था जिन्होंने आर्किमिडियन सरल मशीनों का अध्ययन किया जिसमें लीवर पुली और स्क्रू आदि सम्मिलित थे. ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इन द लीवर. उन्होंने लीवर में भी यांत्रिक लाभ की खोज की. नाउ देयर आर टू फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन एवरी मशीन्स द लोड दैट द मशीन हैज़ टू ओवरकम एंड द एफर्ट यूज टू मूव द लोड. प्रत्येक मशीन में दो फोर्स ताकतें शामिल होती हैं. एक होती है लोड को करने के लिए भार को स्थानांतरित करना और दूसरा उस लोड को उपयोग करने के लिए एफर्ट की. नाउ द अमाउंट दैट अ मशीन रिड्यूस द एफर्ट नीडेड टू मूव अ लोड इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज. दिस टेल्स यू हाउ इफेक्टिव अ मशीन इज. लोड को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक मशीन को काम करने वाली जो राशि होती है उसे मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है. इससे आपको यह पता चलता है कि मशीन कितनी प्रभावी है. बेसिक मशीन्स इंक्लूड लीवर, गियर, पुली, स्क्रू, वेज एंड व्हील्स. बेसिकली मशीन में लीवर, गियर्स, पल्सेस, स्क्रू, वेज और व्हील्स शामिल होते हैं. मोर एलबोरेट मशीन सच एज क्रेन्स आर बिल्ट अप फ्रॉम कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज बेसिक मशीन्स. अधिक विस्तृत मशीनें जैसे कि क्रेन इन मूल मशीनों के संयोजन से निर्मित होती हैं. नाउ मशीन्स कट द एफर्ट्स नीडेड टू मूव अ लोड बाय स्प्रेडिंग द एफर्ट्स ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस और टाइम. मशीन अधिक दूरी या समय में जो एफर्ट को फैलाकर जो लोड होता है उसको कम करती हैं. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट्स यू अप्लाई डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो. वह जो कि लोड के द्वारा आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसकी पूरी लोड द्वारा स्थानांतरित की गई दूरी से विभाजित किया जाता है जिसे हम वेलोसिटी रेशियो VR कहते हैं. द टोटल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू यूज टू मूव समथिंग इज कॉल्ड वर्क. जो आपके द्वारा किसी चीज़ को मूव करने के लिए उपयोग की गई जो कुल राशि होती है उसको वर्क कहते हैं. वर्क इज द फोर्स यू अप्लाई मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस दैट द लोड मूव्स. कार्य वह बल होता है जिसे आप लोड की जाने वाली दूरी से गुणा करते हैं. वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मशीन इज द SMEC अर्थ मूवर यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस इन ऑस्ट्रेलिया. विश्व की सबसे बड़ी मशीन ऑस्ट्रेलिया में ओपन कास्ट खानों में होने वाले SMGG अर्थ मूवर SMEC अर्थ मूवर है. इट वेट 180 टन्स एंड हैज व्हील्स 3 to 5 meter हाई. इसके जो वेट है वो 180 टन है और उसमें जो पहिए हैं उनकी ऊंचाई 3 to 5 meter तक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मशीन. मशीन क्या है. आंसर, अ मशीन इज अ थिंग दैट इज क्रिएटेड बाय अ मैन टू मेक वर्क इजियर. मशीन एक चीज़ है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है अपने कार्य को आसान करने के लिए. इट इज़ अ टूल और इन्वेंशन विच मल्टीप्लाइज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. ये एक टूल है या इन्वेंशन है
जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इफेक्ट को ह्यूमन इफर्ट से, मनुष्य के प्रयास से। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मशीन, मशीन के क्या एडवांटेज हैं। आंसर, द एडवांटेज ऑफ मशीन्स आर फर्स्ट फास्टर वर्क, तेजी से वर्क करती है। सेकंड, मोर एक्यूरेट वर्क, अच्छे से वर्क करती है। थर्ड, यूज ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस का यूज़ होता है। फोर्थ, हैवी एंड डेलीकेटेड वर्क, भारी और डेलीकेटेड कार्य। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द बिगेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ी मशीन कौन सी है। आंसर, द लार्ज हेराडोन कॉरिडोर इज सेट टू बी द लार्जेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मशीन, स्मॉलेस्ट मशीन कौन सी है। मोलिकुलर मशीन आर इन नैनो रेंज अ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन अ हेयर। मोलिकुलर मशीन जिसको नैनो, जिसकी नैनो रेंज है, वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है देन अ हेयर, एक बाल से भी पतली। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, कीप प्रैक्टिस एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू।